वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज एल के त्रिपाठी फ्रॉम LPM पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन दिस वीडियो वी हैव टू स्टडी नाउ व्हाई डेमोक्रेसी। लास्ट एक्सप्लेनेशन वाज व्हाट इज डेमोक्रेसी, दिस इज व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों, एन आर्गुमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगदोस क्लास। शी हैड फिनिश टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड आस्क द स्टूडेंट्स इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एवरी वन हैड समथिंग टू से इन व्हाट इज डेमोक्रेसी। ए डिस्कशन हैड टेकन प्लेस इन द क्लास रूम ऑफ 9th। मैडम लिंगदो टॉट सम स्टूडेंट्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सो द कंक्लूजन वॉज द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड। इन दिस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पीपल एंटरटेन देयर राइट्स, देयर फ्रीडम, देयर लिबर्टी एंड देयर ऑल नीड्स। Now, the same thing is going here, why democracy? Debating merits of democracy. Democracy के merit पर जो debate अब चलती है, वो debate क्या है? Now, a debate is being conducted here. Yolanda is also a child of class 9 at the same school. What is the opinion of Yolanda? We live in a democratic country. All over the world, people want democracy. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy. Is not it obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? So Yolanda's opinion is there. He says that we have talked a lot about the democracy. In the whole of the world, democratic system of the government is practiced. Democracy is liked by all the people of the country. And the countries, they were not democratic earlier, they also became democratic or becoming democratic. Now the question is there, जितने भी great people लोग हैं वो democracy के बारे में बहुत सारे they have told so many nice things about that. क्या ये obvious नहीं हो जाता है कि democracy सबसे बेहतर form of the government है, best form of the government है? क्या हमको इसको debate के लिए लाना चाहिए, डिबेट का इसका इशू बनाना चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए? तांकिनी इज ऑल्सो चाइल्ड ऑफ क्लास 9। सी एक्सप्रेसेस हर ओपिनियन हियर, बट लिंगदो मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस। लिंगदो मैडम ने ऐसा कहा था अपने एक्सप्लेनेशन में कि हमको किसी भी ऐसी चीज़ को तुरंत स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए जो एकदम से फेमस है। That will be a great mistake by any person. कि जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं उसको आँख बंद करके स्वीकार करना ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, अच्छा नहीं होगा। Is not it possible that everyone is following a wrong path? क्या ये संभव नहीं है कि सभी लोग जो है एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं? जेनी, Yes, it actually is a wrong path. What has democracy brought to our country? 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country. अब जेनी का ओपिनियन है बिल्कुल सही है, ये वास्तव में गलत रास्ता है। अब वो अपना जो है डिबेट में ओपिनियन दे रही है, she is trying to
डिमोरलाइज द डेमोक्रेसी, डिफेम द डेमोक्रेसी। वो क्या कहती है कि हमारे देश के लिए डेमोक्रेसी ने क्या किया, क्या लाया डेमोक्रेसी ने। 7 दशक हो गए, 7 decades हो गए डेमोक्रेसी के, और बहुत ज़्यादा अभी देश में पावर्टी है। पीपल आर लिविंग इन अटर पावर्टी, अत्यंत गरीबी है यहाँ पर, और कोई सुधार नहीं हुआ। अब रेबियान का ओपिनियंस में क्या आता है डेमोक्रेसी के बारे में, बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विथ इट, डू वी हैव पावर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव पावर्टी डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी। रेबियान कहता है कि डेमोक्रेसी से जो है हमने क्या पाया कि खोया है मतलब नहीं है। क्या ये गरीबी डेमोक्रेसी की वजह से है, डेमोक्रेटिक होने की वजह से है, या हमारी जो गरीबी है इसके अलावे, डेमोक्रेसी के अलावे भी कोई चीज़ है उसके द्वारा है, डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी। जेनी बोलती है व्हाट एवर हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस, चाहे जो कुछ भी है ये कैसे जो है डिफरेंस करता है डेमोक्रेसी एक दूसरे से। द पॉइंट इज दैट दिस कैन नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइस, इनस्टेबिलिटी, करप्शन एंड हाइपोक्रेसी। पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्व्स, हु केयर्स फॉर द कंट्री। पावमन, पावमन की ओपिनियन क्या है, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड, इसके अलावे हमारे पास क्या है, क्या होना चाहिए, अगर डेमोक्रेसी नहीं तो फिर क्या। गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री। अब हम पास्ट टाइम में चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं, ब्रिटिश पीरियड में चलते हैं, और वहाँ के राजा को इनवाइट करते हैं देश में शासन करने के लिए। ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश पावर को हम इनवाइट करते हैं, पावर मतलब वहाँ का जो मोनार्क है, राजा है, उसको हम बुला करके देश में शासन करने के लिए कहते हैं। रोज, अनदर चाइल्ड इज देयर ऑफ द सेम क्लास, एक्सप्लोर्स हिज ओपिनियन हियर। आई डोंट नो, I think what this country needs is a strong leader. मैं कुछ नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि इस देश को एक जो है strong, एक मजबूत leader की ज़रूरत है, नेता की ज़रूरत है। Someone who does not have to bother about elections and parliament. One leader should have all the powers. He should be able to do whatever is needed in country's interest. That alone can remove corruption and poverty from this country. रोज कहता है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है इलेक्शन और पार्लियामेंट के बारे में बदर वो चिंता नहीं करते हैं। एक लीडर होना चाहिए, उसके पास सारी शक्तियां होनी चाहिए, और वो जो है जो भी देश के लिए ज़रूरत है वो करने के लिए सक्षम हो, जो देश के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है उसको करने में वो सक्षम हो। दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पावर्टी फ्रॉम दिस कंट्री। वो अकेले ही सक्षम है देश से पावर्टी और करप्शन को रिमूव करने के लिए। Someone shouted, वहाँ पर कुछ लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं क्या है, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, इसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। होय, व्हाट इज दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दिस पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, what if he is corrupt himself, क्या
यदि कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे शक्तियों का प्रयोग करता है या करना चाहता है खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए, क्या ऐसा कोई करता है? क्या ऐसा अब करप्शन अपने लिए खुद कर सकता है, खुद के लिए ऐसा कर सकता है? रोज आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर एंड स्ट्रांग लीडर. रोज उसका काउंटर करता है और बोलता है कि मैं केवल जो है ईमानदार सिंसियर और स्ट्रांग लीडर की बात कर रहा हूँ, करप्ट लीडर की या चाहे दूसरे किसी और तरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. हुई बट दैट इज नॉट फेयर. ये फेयर नहीं है. यू आर कंपेयरिंग ए रियल डेमोक्रेसी विथ एन आइडियल डिक्टेटरशिप. वी शुड कंपेयर एन आइडियल विथ एन आइडियल, द रियल विथ द रियल. हम जो है हुई कहती है ये फेयर नहीं है, या एक रियल डेमोक्रेसी से एक रियल आइडियल डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते. हमको जो है एक आइडियल की को कंपेयर आइडियल से करना चाहिए, विचारवान की तुलना विचारवान से करना चाहिए, रियल की तुलना रियल से करनी चाहिए. पीछे जाइए, गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ. आप पिछला इतिहास देखेंगे तो डिक्टेटर्स की जो रियल लाइफ है उसको आप स्टडी करिए, वाच करिए, आप पाएंगे कि कितना जो है एक्सप्लॉयटिंग और हॉरेबल कंडीशन रही है लोगों की. ऐसी स्थितियों में दे आर मोस्ट करप्ट सेल्फिश एंड ब्रूटल. वो लोग बहुत ही ज़्यादा करप्ट रहे हैं, सेल्फिश रहे हैं और क्रूर रहे हैं. इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस. एंड व्हाट इज वर्स, यू कैन नॉट इवन गेट एंड ऑफ देम. नेक्स्ट, मैडम लिंग दोह वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट. मैडम लिंग दोह वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर एंड सी वॉज लिसनिंग ऑल दिस डिबेट्स केयरफुली. नाउ द स्टेपलिन, सॉरी नाउ से स्टेपलिन. वो अब अंदर आती हैं, क्या बोलती हैं? आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर गोइंग सो पैशनेटली. जो भी बहस यहाँ पर चल रही है तुम लोगों की, मैं बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही मन लगा करके इसको सुन रही थी. आई डोंट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग. मुझे नहीं पता इसमें कौन सही है कौन गलत है. दैट इज फॉर यू टू सेटल. ये आपके लिए है सेटल होने के लिए, ये काफ़ी है आपको. ऐसे डिबेट करने चाहिए. बट आई डिड फील दैट You all wanted to speak your mind. You may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt. आप राइट हैं कि रॉन्ग है इसको मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि आपको अपने दिमाग से चीज़ें बोलनी चाहिए, आपका दिमाग बोलना चाहिए ऐसी चीज़ों पर. आप गलत भी, बहुत ज़्यादा गलत भी हो सकते हैं अगर कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं या कुछ लोग आपको पनिशमेंट देते हैं कि आप ये क्या महसूस कर रहे हैं, व्हाट यू फेल्ट, आपने ऐसा कैसे कहा, क्यों महसूस कर रहे हैं इस तरह से. वुड यू बी एबल टू डू दैट इन ए कंट्री दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक. क्या आप सक्षम होंगे ऐसी बातें कहने में उस देश में जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है? जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ आपको राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है. आप जो भी ऐसा डिबेट गलत सलत कर रहे हैं केवल डेमोक्रेसी में ही संभव है.